युद्धग्रस्त यूक्रेन से 11 दिन भी भारतीयों को वतन वापसी लाने का सिलसिला जारी। बसपा मुखिया मायावती को भरोसा, सातवें चरण में वोट की ताकत से प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम करेंगे मतदाता। यूक्रेन से लौटे उत्तर प्रदेश के 50 बच्चों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में की मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद ने फिटनेस रन को दिखाई हरी झंडी। श्रीलंका की दूसरी पारी में भी खराब शुरुआत, अश्विन ने दिलाई सफलता। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ खास खबरों की। खबर अयोध्या से है, जहां राम जन्मभूमि परिसर के पास सुरक्षा में तैनात सिपाही का पंखे से लटका शव मिला। सूचना मिलते ही मौके पर सुरक्षा के आला अधिकारी पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि इस पूरी घटना की जाँच फॉरेंसिक टीम ने की। लड़ाई हुई थी तो एक बंदा जो है छोड़ के चला गया था। तो पुलिस सूचना दी थी, तो सिंगल रह रहा था अपना बंदा, और बाकी पुलिस वाले लेटर उटर पाए हैं। हाँ, ये कोई लेडीज ही मैटर लग रहा है आपस के, सिंपल। अच्छा, ये आपके यहाँ कितने दिनों से किराएदार? ये 26 दिसंबर से। 26 दिसंबर तो यहाँ अकेले रहते थे कि कोई इनके परिवार का कोई? नहीं नहीं, फैमिली का कोई नहीं था। अच्छा, एक पुलिस कांस्टेबल जो जनपद फरुखाबाद से यहाँ पे अटैच थे येलो जोन में, उनके कमरे ना खोलने की बात 112 नंबर पे आई थी। जो मकान मालिक हैं उन्होंने सूचना दी थी कि उनके द्वारा कमरा नहीं खोला जा रहा है। प्राप्त सूचना पे यहाँ पे तत्काल पुलिस टीम आई, और जब खिड़की इत्यादि से झांक के देखा गया तो पता चला कि वो लटके हुए हैं पंखे से। फील्ड यूनिट को बुलाकर सभी अधिकारी आए, फिर दरवाज़ा को फोर्स्ड एंट्री की गई और आगे की इसमें विधि। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर श्रद्धालु मंदिरों में बनी नंदी बाबा के दूध पीने का दावा कर रहे हैं। अब इसे आस्था कहे या अंधविश्वास, इसी आस्था को लेकर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान को दूध पिलाने के लिए उमड़ रहे हैं। देर शाम श्रद्धालुओं का मंदिर में लाइन लगा रहा। भोले बाबा का मंदिर है जहाँ पर नंदी बाबा ने दूध दिया। अच्छा, किन किन लोगों ने और ऐसा क्या दिखा है? हमें भीड़ सी उमड़ गई है, सभी श्रद्धालुओं ने अपने हाथों से दूध पिलाया है, और मैंने भी दूध पिलाया है, मुझे विश्वास हो गया है। बाबा दूध पी रहे हैं? बाबा दूध पी रहे हैं, चमत्कार हुआ है। गाँव जल्दीपुर से और मैं जिला अलीगढ़। ये गाँव जल्दीपुर से और जिला अलीगढ़ जी। ये क्या सुनाई आ रहा है जो बाबा दूध पी रहे हैं? भोले बाबा सब में दूध पी रहे हैं यहाँ के भोले बाबा। आपने ऐसा क्या देखा जो तुम्हें विश्वास हुआ है? हमने खुद अपने हाथों से दूध पिलाया है। देवरिया के लार थाना क्षेत्र के सहियागढ़ में रहने वाले सीआरपीएफ जवान का अंतिम संस्कार गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। जवान की मौत बस्ती में चुनावी ड्यूटी कराने के बाद वापस जाते समय खजोला के पास ट्रक के जवानों के वाहन में टक्कर मार दिया था, जिसमें जवान की मौत हो गई थी। खबर श्रावस्ती से है, जहां तेज रफ्तार में आ रही बाइक रोड पर खड़ी एक मारुति कार में तेजी से टकरा गई, जिसमें बाइक के सवार छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को अस्पताल ले गई, जहां इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 11वां दिन है, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने देश को रूस के आक्रमण से लड़ने में मदद करने के लिए अमेरिका सीनेटरों से और अधिक विमान भेजने के लिए आग्रह किया है। वहीं यूक्रेन के मारियोपोल और वोल्नोखावा से लोगों को निकालने के लिए लागू किया गया सीज फायर टूटा गया है।
यूक्रेन मीडिया के मुताबिक मारियोपोल में रूसी सेना के सीज फायर तोड़ दिया, जिसके बाद मानवीय कॉरिडोर में आम लोगों को निकालने की प्रक्रिया सुरक्षा कारणों में से रोक दी गई है। उधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आगाह किया है कि मॉस्को यूक्रेन पर किसी भी तीसरे पक्ष की नो फ्लाई जोन की घोषणा की इस लड़ाई में भागीदार के रूप में माना जाएगा। इसी बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की और उसे अपने नागरिकों को रूस में रहने को छोड़ दिया। सातवें चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन एसपी मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री मिर्जापुर पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज मऊहरिया ग्राउंड में जनता को संबोधित किया। एसपी गठबंधन के प्रत्याशियों को समर्थन देने की अपील की। आगे सपा सुप्रीमो ने कहा कि छठवें चरण में से वोट पड़े बीजेपी के छक्के छूट गए हैं और सातवें चरण में जनता बीजेपी को समुद्र में फेंक देगी और मिर्जापुर में किसी का खाता नहीं खुलने वाला है। खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां अलीनगर थाना क्षेत्र के जफरपुरवा गांव में चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले भाजपा प्रत्याशी पर जानलेवा हमले की घटना सामने आई है। जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मामले की जानकारी होते ही केंद्रीय मंत्री और चंदौली सांसद समेत जिला प्रशासन मौके पर पहुंचे। हालांकि ग्रामीणों के विरोध के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। इस घटना में भाजपा प्रत्याशी बाल बाल बच गए, जबकि उनकी गाड़ी को हमलावरों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं इस घटना से इलाके में तनाव है, जबकि इस घटना पर केंद्रीय मंत्री ने कड़ी निंदा की है। डॉक्टर साहब, आज क्या घटना हुई है? आप तो भी यहाँ आना था, तो क्या घटना हुई है और क्या कहना चाहते हैं आप? यह अपने आप में समाजवादी पार्टी के गुंडागर्दी का बहुत नग्न उदाहरण आज चंदौली में मेरे इस शांतिप्रिय जिले में समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उपस्थित किया है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। मैं प्रचार के अंतिम कार्यक्रम मेरा यहाँ था, जफरपुर के नागरिकों का मेरे प्रति लगाव, उन्होंने मुझे याद किया था। चूँकि DFCC कॉरिडोर से जफरपुर प्रभावित हुआ, मैंने अपने संपूर्ण प्रयत्न करके DFCC कॉरिडोर से इनको बचाने का प्रयत्न किया, ये उजड़ न पाए। यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रही छात्रा वर्तिका चौहान एयरफोर्स के विमान C-70 ग्लोब मास्टर से भारत पहुंची। इस दौरान अपने घर मैनपुरी पहुंचने पर वर्तिका ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया, जिसके बाद छात्रा ने यूक्रेन का आंखों देखा हाल बताया। वर्तिका के अनुसार हजारों भारतीय छात्र छात्राओं में खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है, वहीं खाने की चीज़ों के अलावा पानी की भी किल्लत यूक्रेन में झेलनी पड़ रही है। वहाँ पे हालात इस समय बहुत ही क्रिटिकल है और किसी भी वहाँ पे रहना, बाहर रहना वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इवन शेल्टर्स में भी रहना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि धीरे धीरे खाने की चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ग्रॉसरी स्टोर पे आपको ग्रॉसरी नहीं मिलेगी और पानी की भी कई जगह पे प्रॉब्लम हो रही थी। हालांकि हम लोगों को मिल गया कभी कभी, बट जो बच्चे थोड़ा सा भी लेट हुए हैं उनको ग्रॉसरी नहीं मिल रही थी। तो आप बाहर नहीं निकल सकते, ग्रॉसरी नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। हालांकि इंटरनेट और लाइट हम लोगों के टाइम तक नहीं गई थी जब तक हम वहाँ थे, बट कुछ जगह पे वो भी चली गई थी जो मेजर स्ट्रीट्स हैं। जहाँ खबर मानपुरी से है, जहाँ जेल रोड पर मौजूद माँ भगवती विद्रा आश्रम का औचक निरीक्षण करने पहुंचे निरीक्षण सुला अधिकारी देवेंद्र कटारिया ने वृद्ध लोगों का हालचाल पूछा और वहां उन्होंने वृद्ध लोगों की समस्याओं को भी सुना। ये उन्होंने सभी बुजुर्गों से कहा कि इस समय मौसम बदल रहा है, ऐसे में वृद्ध लोग अपने सेहत का खास कर ख्याल रखें। आगे उन्होंने बुजुर्गों को सलाह दी, जरा भी तबियत खराब होने पर आश्रम संचालिका को बताएं जो आपके लिए तुरंत दवाइयों की व्यवस्था करेंगी। आश्रम पर निरीक्षण किया गया, उसमें वृद्ध लोगों को बदलते मौसम में गया कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कहा बताया कि सर्दी से गर्मी का मौसम जैसे चालू हो रहा है, अपने इसमें बुखार छोटी मोटी समस्या वगैरह हो सकती है, इसमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने का। यदि किसी को भी कोई शिकायत आती है तो यहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध हैं। बीते 22 फरवरी को गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना नेहरू नगर के एक घर पर दिनदहाड़े लूट की घटना का सिहानी गेट पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वही इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी ने बताया कि कोरियर के बहाने रवि दत्त और विशाल ज्योति ने इस घटना को अंजाम दिया, जबकि एक आरोपी ज्योति गुलाब सिंह के घर पर पहले से ही किराए पर रह रही थी, जिसने वादी के घर में हुए प्रोग्राम का ज्वेलर्स देख कर इस लूट की घटना को अंजाम देने की योजना बनाई थी। ये 22 फरवरी को सिहानी गेट के नेहरू नगर क्षेत्र में दिन दहाड़े एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें सिहानी गेट की पुलिस एवं एसपी सिटी की क्राइम टीम ने इसका सफल अनावरण कर लिया। इसमें हम लोगों ने 3 गिरफ्तारियां करी हैं।
इस गैंग की मुख्य सरगना जो है वो ज्योति एवं अथवा सुचित्रा आर्या नाम है, जो कि अपने आप को डबल दिए बता रही हैं। इनके भाई रविदत्त इस घटना में शामिल थे, जो कि बीएससी पास हैं, ये रोहतक के रहने वाले हैं। इन्हीं के साथ में चार लोग और हैं, जिसमें भी तीन अभी वांछित हैं। हम लोगों ने एक विशाल नामक व्यक्ति की भी गिरफ्तारी करी है, जो कि इस घटना में साथ में थे। तीन लोग इसमें वांछित हैं, इनके पास से। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस